हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन एकेडमी। तो आज हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ और एनसीईआरटी। और देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेसिकली इसका नाम अगर आप देखें तो नाम है इंडो इस्लामिक। ये नाम इसको इंडो इस्लामिक इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर जो वेस्टर्न एशिया था, वेस्टर्न जो कंट्रीज थी इस्लाम से, यहाँ पर काफ़ी आर्किटेक्चरल फीचर्स आए थे, लेकिन साथ में जो लोकल इंडियन ट्रेडिशंस थी, लोकल इंडियन फीचर्स थे, उनको भी यहाँ पर लिबरली अपनाया गया। तो इट इज दैट्स वाई कॉल्ड एज द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इंडिया की लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए, अन अकेडमी के साथ आप जुड़िए। यहाँ पर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेज और रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेंगी, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप पर आपको डेमो क्लासेज मिलेंगी, फ्री डेमो क्लासेज। आप मुझे विष्णु अग्रवाल के नाम से सर्च कीजिएगा और मुझे फॉलो कीजिएगा तो मेरी क्लासेज आपको अवेलेबल हो जाएंगी। याद रखिए, आज रात को 9 बजे Feb 5 9 PM मेरी इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। तो इस सीरीज का आप पार्ट बने, इस सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें इकोनॉमिक्स की क्लासेज रहेंगी, तो उसके लिए आप मुझे फॉलो करना ना भूलें और इन क्लासेज में आप एनरोल करना ना भूलें। बिल्कुल लाइव क्लासेज रहेंगी जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज विष्णु अग्रवाल। मैं 19 ईयर्स की एज में सीए कंप्लीट कर लिया था और मुझे 4 साल की टीचिंग का एक्सपीरियंस है। तो अन अकेडमी पर आपको 2 तरह के सब्सक्रिप्शन मिलेंगे, प्लस एंड आइकोनिक। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लासेज मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड क्लासेज मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। आइकोनिक में एक पर्सनल कोच आपको असाइन कर दिए जाएंगे और डेली बेसिस पे आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, जिसका आपको रेगुलर फीडबैक भी मिलता रहेगा। 100 से भी ज्यादा टॉप एजुकेटर्स आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में एक्सेसिबल हो जाएंगे। जीएस प्लस की हम बात करें तो जीएस प्लस में काफी चॉइसेस आपको दी गई हैं, जिसमें 1 ईयर और 2 इयर्स के प्लान्स बेस्ट माने जाते हैं। नाउ दिस कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, विष्णु। आप इस कोड को यूज करना ना भूलें। इस कोड को यूज करते ही इमीडिएटली आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा आप ईएमआई का ऑप्शन ले सकते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में आप पेमेंट कर सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। और आपको यहाँ पर मैं पर्सनली मेंटर करूंगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप इस कोड को यूज करना ना भूलें। आइकोनिक प्लान आप ले सकते हैं, 3 चॉइसेस आपको दी गई हैं, ऑप्शनल के साथ आप जा सकते हैं जिसका सब्सक्रिप्शन अब अलग कर दिया गया है। और आप कॉम्बो प्लान भी ले सकते हैं, जीएस प्लस ऑप्शनल, जहां पर दोनों प्लान्स आपको साथ मिल जाएंगे और जिसमें सबसे बेस्ट प्लान माना गया है 2 इयर्स का। इस 2 इयर्स के प्लान में आपकी सारी तैयारी हो जाएगी, सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। एंड अगेन प्लीज डोंट फॉरगेट टू यूज कोड दिस विष्णु, आपको 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही, मैं पर्सनली आपको मेंटर भी करूंगा। अन अकेडमी कॉम्बैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, परसों Feb 7 को ये होने वाला है। बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है, लिंक आपको यहाँ पर क्लास में दिख रहा होगा। दिस इज कम्प्लीटली फ्री इनिशिएटिव और आप इस पर एनरोल हो जाइए। एनरोल होते समय आपसे कोड मांगा जाएगा, तो विष्णु कोड यूज करना ना भूलें। और याद रखिए, ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स जो अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अराउंड 10,000+ स्टूडेंट्स इस क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको लिंक यहां पर मिल जाएगा, इसमें आप ऐड हो सकते हैं। और जो टॉप 3 स्टूडेंट्स रहेंगे उनको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। आप यहां पर Feb 8 से नए काफी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं जिनका आप पार्ट बन सकते हैं, तो जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। unacademy_vishnu, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल जहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दिस इज माई कोड विष्णु, आपको 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही, मैं पर्सनली आपको मेंटर भी करूंगा। तो लेक्चर नंबर 10 इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इसे हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें तो इस्लाम इंडिया में कब आया, तो इट केम आफ्टर 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी के बाद इसका धीरे धीरे इसका आगमन स्टार्ट हो गया था। और किन के थ्रू हुआ, सबसे पहले मुस्लिम मर्चेंट्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, होली मैन हो गए, कंकरर्स हो गए। तो ये अलग अलग लोग यहाँ पर इंडिया में आए थे जिनके थ्रू उनका रिलीजन इस्लामी इंडिया में आया था। ऑल्दो द 8th सेंचुरी CE मुस्लिम हैड बिगम टू कंस्ट्रक्ट इन सिंध एंड गुजरात, तो आप अगर हम देखें तो 8वीं शताब्दी से ही मुस्लिम्स ने जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा, सिंध, गुजरात, जो मॉडर्न डे पाकिस्तान है, वहां पर बिल्डिंग एक्टिविटीज, आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी थी। लेकिन जो फुल फ्लेज आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट था वो स्टार्ट हुआ था अराउंड 12th एंड 13th सेंचुरी में। तो अर्ली 13th सेंचुरी से हम देख सकते हैं, स्पेशली दिल्ली सल्तनत में, कि यहाँ पर बहुत सारे तुर्कीज जो इंडिया में आए थे, उन्होंने बहुत सारे बिल्डिंग एक्टिविटीज, बिल्डिंग फीचर्स, आर्किटेक्चरल फीचर्स हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस किए थे। तो आर्क्यूएट फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर जो आर्क्स हैं उनको सबसे ज्यादा यूज किया गया है। पहले क्या होता था, ऐसी बात नहीं है कि हमने इन आर्क्स को, इनको पहले नहीं देखा,
लेकिन पहले क्या होता था, ये सिर्फ डेकोरेटिव फीचर में रहा करती थी, डेकोरेट करने के लिए, बिल्डिंग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। लेकिन जो इस्लामिक आर्किटेक्चर आया, उसमें इन आर्क्स को ऊपर की जो बिल्डिंग है, ऊपर की जो छत है, ऊपर की जो फ्लोर है, उनको सपोर्ट करने के लिए भी यूज किया जाने लगा। तो बेसिकली आप इसका एक मॉडल देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे ये आर्क है, ये ऊपर वाली बिल्डिंग को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट हो गई। इसमें दो चीजें इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला तो है की स्टोन, जो सबसे इम्पोर्टेंट की स्टोन हो गया, जिस पर ऊपर का काफी स्ट्रक्चर निर्भर रहता है। दूसरे हैं वजवेयर, वजवेयर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो ब्लॉक्स है इनको यहाँ पर वजवेयर कहा गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो यहाँ पर आर्केड फॉर्म में यूज किया गया। और अगर आप देखें तो यहाँ पर ब्लॉक्स, इंटरब्लॉकिंग मेथड यूज किया गया है, जिसके थ्रू ये आर्क्स बनाई गई और जिस पर ऊपर की बिल्डिंग पूरी स्टोर हो सकती थी। तो अर्लियर आर्केज वर देयर, बट दीज वर अनेबल टू बियर द वेट वेट ऑफ द टॉप स्ट्रक्चर, ये टॉप स्ट्रक्चर का वेट सस्टेन करने के लिए सक्षम नहीं थी। लेकिन बाद में जब इस्लामिक आर्किटेक्चर आया, तो उसमें जो टेक्निक यूज की गई, उसमें जो डोम्स है, ऊपर का स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, उसे भी यहाँ पर बियर किया जाने लगा। हाउएवर विथ न्यू इस्लामिक आर्किटेक्चर फीचर्स, मैनी फीचर्स ऑफ लोकल कल्चर्स एंड ट्रेडिशन वर एब्जॉर्ब्ड एंड कंबाइंड देम। तो देखिए यहाँ पर जो इस्लामिक आर्किटेक्चर के फीचर्स आए, उनके साथ में जो लोकल फीचर्स थे उनको भी मर्ज किया गया। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर हम देखें तो कहीं पे भी एक यूनिफॉर्म पैटर्न आर्किटेक्चर का नहीं रहा। लोकल ट्रेडिशंस यहाँ पर बहुत सारी इमर्ज हुई, जिन्होंने इस्लामिक आर्किटेक्चर की फीचर्स को भी अपनाया और अपनी लोकल ट्रेडिशन को भी अपनाया। देखिए हर आर्किटेक्चर में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वी कैन से आर्किटेक्चरल फीचर्स होते हैं, इंजीनियरिंग फीचर्स होते हैं, जो अच्छी चीजें सिखाते हैं, तो उनको लिबरली यहाँ पर अपनाया गया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर इन सबको सेक्युलर पर्सपेक्टिव से देखा गया, अदर फीचर्स को लिबरली अपनाया गया। तो जिसके चलते एक जो ट्रेडिशन बनी उसे कहा गया इंडो इस्लामिक या इंडो सारसेनिक आर्किटेक्चर, इसको नाम दिया गया। तो इट इज नॉट कम्प्लीटली इस्लामिक, इट इज नॉट कम्प्लीटली लोकल, यहाँ पर मिक्सचर होके एक नई आर्ट फॉर्म पैदा हो रही है, दैट इज इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। हिंदूज कंसीव्ड मैनिफेस्टेशन, अब देखिए हिंदूज और मुस्लिम्स, इन दोनों के आर्किटेक्चर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था, हिंदूज हर चीज में गॉड की प्रेजेंस को देखते थे, जैसे कहा जाता है कण कण में गॉड बसते हैं, तो वो चीज यहाँ पर थी। तो हर चीज को यहाँ पर फेथ के साथ एसोसिएट किया गया, तो यहाँ पर जो भी सर्फेसेस थे, स्कल्पचर्स थे, उन पर पेंटिंग हुई, स्कल्पचर्स बनाए गए देवी देवताओं के, तो यहाँ पर गॉड को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई। लेकिन मुस्लिम्स ने यहाँ पर जो भी लिविंग फॉर्म है उसको रेप्लिकेट करना, ये यहाँ पर सही नहीं माना गया, इसका यह है यहाँ पर फॉरबिडन था। तो जो नॉन लिविंग फॉर्म्स थी ज्यादातर, उनको आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए यूज किया गया। तो इसलिए आर्ट्स ऑफ अरेबेस्क्यू, जियोमेट्रिकल पैटर्न्स, जैसे मान लीजिए ऐसा पैटर्न हो गया, जियोमेट्रिकल पैटर्न्स यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज होने लगे। देन कैलीग्राफी ऑन प्लास्टर एंड स्टोन, कैलीग्राफी यहाँ पर जैसे उर्दू है, उर्दू में कुछ भाषाएं लिखना, तो उनको यहाँ पर इस तरह से लिखा गया कि वो भी एक तरह से डेकोरेशन का पार्ट बन गई। तो ये सब चीजें यहाँ पर इस्लामिक आर्किटेक्चर में यूज की जाने लगी। नाउ टाइपोलॉजीज ऑफ स्ट्रक्चर, टाइपोलॉजीज ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कौन कौन से नए स्ट्रक्चर्स थे, नए नए आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स थी जो यहाँ पर इस्लामिक आर्किटेक्चर के थ्रू इंट्रोड्यूस की गई। तो सबसे पहले हो गई मॉस्क्यूज फॉर द प्रेयर्स, टोम्स, टोम्स क्या थी, जैसे मान लीजिए कोई भी बड़ा पर्सन, रॉयल पर्सन, उसकी डेथ होती तो वहां पर टोम्स बना दी जाती ताकि उसे हेवन मिल सके, एक मान्यता थी। तो दीज आर दी टोम्स, दरगाह हो गई, जो रिलीजियस मॉन्क्स हो गए उनकी जगह पर दरगाह हो गई जहाँ वो रहते थे, मीनार्स बना दी गई, मीनार्स हमाम्स बना दिए गए, गार्डन्स बना दिए गए, मदरसाज जहाँ पर एजुकेशनल दिया, एजुकेशनल डेवलपमेंट होता था, बच्चों को एजुकेशन दी जाती थी, देन सराइज जो भी यहाँ पर ट्रेवलर्स होते थे उनके रहने के जो इंतजाम हो गए, दैट इज सराइज, इनको हम कह सकते हैं कार्बोनस सराइज, कोस मीनार्स। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर इस्लामिक आर्किटेक्चर में इमर्ज हुए। दीज वर दिस एडिशन टू द एग्जिस्टिंग टाइप ऑफ बिल्डिंग्स इन द सब कंटिनेंट। तो पहले जो बिल्डिंग्स थी वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एंशियंट इंडिया में सबसे पहले आए थे बुद्धिस के स्तूपाज, चेत्याज, विहाराज, ये हमने देखे थे। फिर हमने देखा कि कैसे टेंपल आर्किटेक्चर इवोल्व हुआ, उसके बाद में हम देख सकते हैं इंडो इस्लामिक में ये नए आर्किटेक्चरल फीचर्स हमें देखने को मिले। पेट्रोन्स, जनरली देखिए अगर ये जितने भी स्ट्रक्चर्स थे, इन स्ट्रक्चर के लिए पेट्रोन की जरूरत होती थी मिडाइवल पीरियड में, चाहे एंशियंट पीरियड हो, कोई भी पीरियड हो, उसमें जो भी आर्किटेक्चर बनता उसके लिए पेट्रोन्स की जरूरत होती थी। और सबसे बड़ा पेट्रोन होता था रॉयल्टी, रॉयल क्लास,
जो रॉयल क्लास थी, जो राजा वगैरह हुआ करते थे, राजा के बाद हो गए नोबल्स, नोबल के बाद में हो गए ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, जिनके पास भी अच्छा पैसा होता था, और कई बार कम्युनिटी के लोग खुद भी मिलकर इन स्ट्रक्चर को बनाते थे। जैसे मान लीजिए मोस्क बनानी है, तो यहाँ पर काफी लोग मिल जाएंगे और वो यहाँ पर मिलकर मोस्क बना लेंगे। डिस्पाइट फॉरेन इन्फ्लुएंस यहाँ पर हम देखेंगे कि पर्शिया, ईरान, ऐसे तुर्क, इनके साथ बहुत सारी चीजें आई थी जो हमारे पहले नहीं थी, पहले कंट्री में नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी, फॉरेन इन्फ्लुएंस के बावजूद भी, जो लोकल यहाँ पर इंडियन डेकोरेटिव फॉर्म्स थी, सेंसिबिलिटीज थी, उनका पूरा यहाँ पर ध्यान रखा गया, उनको यहाँ पर बिल्कुल मिक्स किया गया। ए लोट डिपेंडेंट ऑन दी अवेलेबिलिटी ऑफ मेटेरियल। जैसे मान लीजिए कोई फॉरेन एलिमेंट है, कोई यहाँ पर फॉरेन आर्किटेक्चर बनाया जा रहा है, उसके लिए फॉरेन मटेरियल चाहिए, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है या लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो फिर लोकल मटेरियल वहां पर यूज किया जाने लगा। जैसे व्हाइट मार्बल का काफी यूज हुआ है ताजमहल में, आप देख सकते हैं, रेड सैंड स्टोन हो गया, तो इन सब का बहुत यूज हुआ है। लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड स्किल्स। अब यहाँ पर जो आर्टिस्ट होंगे, देखिए आप चाहे बाहर से, फॉरेन से कोई फॉर्म उठाकर ले आइए, जैसे आप कहते हैं कि मैनरेट बनानी है, एक टोम बनानी है, या फॉरेन से एक आर्किटेक्चरल फीचर ले आए, लेकिन कलाकार, आर्टिस्ट तो इंडिया का ही होगा, तो इसलिए यहाँ पर रिसोर्सेज, स्किल्स, इन सब का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। ऑल्दो रिलीजन एंड रिलीजियोसिटी दे वर वेरी इंपॉर्टेंट, हम देखें तो ये लोगों की लाइफ से बहुत ज्यादा अटैच थी, एंट्रेंस थे उनकी लाइफ में, लेकिन इसके बावजूद भी आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स में बहुत ज्यादा लिबरलिज्म हमें देखने को मिलता है, काफी एस्पेक्ट सेक्युलर भी यहाँ पर रहे हैं। दीपक का यहाँ पर कोई डाउट है? सर, आई एम इन 12th, माई बोर्ड एग्जाम विल गेट ओवर इन मंथ जून, सो सर व्हेन यू विल स्टार्ट न्यू बैच प्लीज। आप कौन से बैच की बात कर रहे हैं? यूपीएससी के बैच की बात कर रहे हैं? आर यू टॉकिंग अबाउट द यूपीएससी बैच? तो देखिए यूपीएससी के बैच काफी 8 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, और कुछ बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं, आप इसमें बिल्कुल भी डिले ना करें। वेन एवर यू ज्वाइन, डोंट फॉरगेट टू यूज कोड विष्णु। कैटेगरीज ऑफ स्टाइल, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पर लोकल ट्रेडिशंस को अपनाया गया, तो एक बात ऑब्वियस ही थी कि जो नई नई स्टाइल थी वो यहाँ पर इमर्ज होनी थी, तो एक तो थी इंपीरियल स्टाइल, दिल्ली सल्तनत। क्यों? क्योंकि देखिए दिल्ली में, दिल्ली को यहाँ पर मिडाइवल पीरियड में ऐसे माना जाता था, दैट इज दी सीट ऑफ पावर। तो यहाँ पर अलग अलग मुगल से पहले भी बहुत आए थे, मुगल के बाद में भी आए, तो जो इंपीरियल स्टाइल है, तो यहाँ पर अलग अलग जो फॉरेन एलिमेंट्स आए, उन सबका इन्फ्लुएंस देखा जाता है, दैट इज दिल्ली सल्तनत। इट इज डिफरेंट फ्रॉम मुगल स्टाइल। मुगल में यहाँ पर सिर्फ हम अकबर या जो मुगल्स थे, सिर्फ उनकी स्टाइल को देखेंगे, लेकिन इंपीरियल में मुगल्स के अलावा और जितने भी आए हैं, और जितने रूलर्स दिल्ली में आए हैं, उन सबका यहाँ पर इन्फ्लुएंस होगा। देन प्रोविंशियल स्टाइल, कई जगह पर जो लोकल एलिमेंट है उनका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस था कि एक अलग प्रोविंशियल स्टाइल यहाँ पर इमर्ज हो गई, जैसे मंडू, गुजरात, बंगाल, जौनपुर। तो मंडू के आर्किटेक्चर को तो हम यहाँ पर डिटेल में भी देखेंगे। मुगल स्टाइल, दिल्ली, आगरा, लाहौर, जो तीन इंपॉर्टेंट यहाँ पर सिटीज थी जिनमें मुगल्स का सबसे बड़ा डोमिनेशन रहा था, तो वहां पर मुगल स्टाइल हमें देखने को मिलेगी। देन डेक्कनी स्टाइल, जो डेक्कन में यहाँ पर रूलर्स हुआ करते थे, उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट इस्लामिक आर्किटेक्चर को अपनाया था, जैसे बीजापुर, गोलकोंडा, तो इनका आर्किटेक्चर यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है। तो मंडू जो एमपी में है, उस पर हम एक बार नजर डाल लेते हैं, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि प्रोविंशियल आर्किटेक्चर से हम यहाँ पर क्या समझना चाह रहे हैं। तो मंडू कहाँ पर है? एमपी में, इंदौर के पास, 60 माइल्स फ्रॉम दी इंदौर। तो एट एन एलिवेशन ऑफ 2000 फिट एंड ओवर लुक्स दी मालवा प्लेट्यू टू नॉर्थ एंड नर्मदा वैली टू दी साउथ। तो मालवा प्लेट्यू और नर्मदा वैली, इन दोनों के बीच में यहाँ पर मंडू एक जगह है जहां पर एक डिटेल्ड आर्किटेक्चर बनाया गया, अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स बनाई गई, लोकल फीचर्स जहां पर लिए गए, इस्लामिक फीचर्स जहां पर इंपोर्ट किए गए। मंडू इज टिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिडाइवल प्रोविंशियल स्टाइल। तो प्रोविंशियल स्टाइल हो गई यहाँ पर, देखिए मेन परमारा, राजपूत, अफगान्स, मुगल्स, ये तीन मेन डायनेस्टीज हैं जो यहाँ पर आई, जिन्होंने अलग अलग चीजें बनाई, जिन्होंने मंडू के आर्किटेक्चर को यूज किया। गौरी डायनेस्टी, गौरी डायनेस्टी ये मोहम्मद गौरी वाली नहीं है, मोहम्मद गौरी वाली नहीं है, ये गौरी डायनेस्टी अलग है, जो 1401 से 1561 तक यहाँ पर रही थी। तो इन्होंने यहाँ पर कैपिटल सिटी बनाई थी मंडू में, और यहाँ पर बहुत अच्छा आर्किटेक्चर डेवलप किया था। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, जो कैपिटल सिटीज थी उनको यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा मिला आर्किटेक्चर का, क्योंकि वहां पर सीट ऑफ किंग हुआ करते थे, तो किंग वहां पर आसपास में आसानी से निगरानी रख सकते थे। सो फाउंडेड बाई होशांग सा इज एक्वायर्ड ए लोट ऑफ फेम। तो होशांग सा है
जो जिन्होंने यहाँ पर गौरी डायनेस्टी फाइंड की थी, और मंडू आर्किटेक्चर से ये रिलेटेड है। सब्सिक्वेंटली मंडू सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती के रोमांस से भी एसोसिएटेड है। देखिए अभी तक इस पर हो सकता है कोई बॉलीवुड की मूवी नहीं बनी हो सकता है फ्यूचर में हमें सुल्तान बाज बहादुर रानी रूपमती से रिलेटेड कोई मूवी देखने को मिल जाए, क्योंकि आजकल जो मूवीज हैं उनमें यही थीम चल रही है। मुगल्स रिसोर्टेड टू इट फॉर प्लीजर ड्यूरिंग द मानसून सीजन, क्योंकि मंडू का आर्किटेक्चर ऐसा बताया जाता है जब अच्छी बरसात होती थी, मानसून का सीजन रहता था, तो एक तरफ तो नर्मदा रिवर में बहुत अच्छा पानी हो जाता था, दूसरा मालवा प्लेट्यू एकदम से हरा भरा हो जाता था, और बीच में अच्छी हवाएं चलती थी, तो मानसून के दौरान यहाँ पर राजा चले जाते थे फॉर देयर प्लीजर। इट वॉज ए कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ ऑफिशियल एंड रेजिडेंशियल कम प्लीजर पैलेस, तो यहाँ पर ऑफिशियल बिल्डिंग्स भी थी कि राजा अगर मान लीजिए लंबे समय के लिए यहाँ पर जाते हैं तो वो अपने ऑफिशियल फंक्शंस को डिस्चार्ज कर सके। रेजिडेंशियल स्पेसेज हो गए जैसे महल, पवेलियन, मॉस्क, सब कुछ हो गया, तो एक राजा को अगर वहां पर रहना हो तो वो लंबे समय तक यहाँ पर छुट्टियां बिता सके। दि स्ट्रक्चर वर वेरी क्लोज टू दी नेचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया नॉर्थ में हो गया मालवा प्लेट्यू, साउथ में हो गई नर्मदा रिवर, और मेन इसका ऑब्जेक्टिव था प्लीजर। तो देखिए नेचर से अच्छा प्लीजर एक व्यक्ति को कुछ और नहीं दे सकता, तो नेचर के साथ इस पूरे आर्किटेक्चर को एसोसिएट किया गया है। लोकल स्टोन और मार्बल्स यहाँ पर यूज किए गए हैं, एंड कुछ पर्टिकुलर बिल्डिंग्स की हम बात करें तो उसमें सबसे पहला आता है हिंडोला महल, द ऑडियंस हॉल्स ऑफ सुल्तान, तो यहाँ पर ये वो प्लेस है जहां पर सुल्तान अपनी जो भी प्रजा थी उनसे मिला करते थे। दूसरा हो गया जहाज महल, इट इज लाइक ए जहाज जो एक पानी में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टू वाटर रिजर्वेयर्स थे और उनके बीच में टू स्टोरेज शिप पैलेस हुआ करता था, तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्ट बाई सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी, किसके द्वारा बनाया गया था, सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी, अल्टीमेट प्लेजर के लिए था, और इसमें स्विमिंग पूल भी था, स्विमिंग पूल भी यहाँ पर था। और दूसरी क्या क्या इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है, रानी रूपमती डबल पवेलियन, बाज बहादुर पैलेस, अशरफी महल, होशांग शाह टोम्स, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर देखने को मिली है, और इनमें अलग अलग तरह की ब्यूटिफिकेशन किया गया है और काफी यहाँ पर डेकोरेटिव फॉर्म्स यूज की गई है। ओके, जामा मस्जिद ऑफ मंडू ये भी यहाँ पर है जिसे रेड सैंडस्टोन में बनाया गया है। प्रोविंशियल स्टाइल आर्किटेक्चर ऑफ मंडू इज रिगार्डेड एज टू क्लोज टू द स्ट्रक्चर्स ऑफ इंपीरियल दिल्ली टू मेक ए बोल्ड स्टेटमेंट ऑफ लोकल ट्रेडिशन, तो इंपीरियल दिल्ली से यहाँ पर कुछ इम्पोर्ट किया गया और लोकल ट्रेडिशन से भी यहाँ पर चीजें इंटीग्रेट की गई, जिस वजह से एक अलग ट्रेडिशन यहाँ पर इमर्ज हुई, दैट इज मंडू। नाउ आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंसेस, अब अगर हम बात करें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की तो उसमें आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंसेस क्या क्या रहे हैं, तो प्रोविंशियल में अभी अभी हमने देखा मंडू, ठीक है, मंडू के बाद में अगर हम बेंगोल की बात करें, जौनपुर की बात करें, तो यहाँ पर भी डिस्टिंक्ट प्रोविंशियल स्टाइल्स इमर्ज हुई थी। गुजरात आल्सो टूक रीजनल एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट अलग आस्पेक्ट थे, तोरण, लिंटल्स, कार्विंग्स ऑफ बेल, चैन मोटिफ्स, कार्व्ड पैनल डिपिक्टिंग ट्रीज, टॉम मोस्क दरगाह में यूज की गई। तो तोरण जैसे हमने पहले भी देखा था, तोरण, लिंटल्स, कार्विंग, जैसे गुजरात का जो आर्किटेक्चर था उसमें एक तरह से वुडन प्लेक हुआ करती थी, उन वुडन प्लेक पर डिजाइन उकेरी जाती थी, कार्विंग्स ऑफ बेल वगैरह ये सब हो गई, तो ये सब यहाँ पर जो और दूसरा आर्किटेक्चर है टॉम मोस्क दरगाह इन सब में भी यूज किया गया, तो एक डिस्टिंक्ट गुजराती टाइप ऑफ आर्किटेक्चर यहाँ पर इवोल्व हुआ। 15th सेंचुरी व्हाइट मार्बल दरगाह ऑफ शेख अहमद खाटू ऑफ सरखेज, तो ये कहाँ पर है, अहमदाबाद के पास है गुजरात में, सो इट इज वेरी सिग्निफिकेंट, या यू कहिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जहां पर मुगल टोम्स को प्रोविंशियल स्टाइल में डेकोरेट किया गया है, तो आप इसको याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। 15th सेंचुरी व्हाइट मार्बल दरगाह ऑफ शेख अहमद खाटू कहाँ पर है या किससे एसोसिएटेड है, कौन सा ये आर्किटेक्चर हो गया, कौन सी ये स्टाइल हो गई, तो ऐसा कुछ भी आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। नाउ डेकोरेटिव फॉर्म्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर हमने अभी तक क्या चीज देखी, पहले तो हमने देखा था कि कौन सी न्यू बिल्डिंग्स, कौन से न्यू आर्किटेक्चर मुगल्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए, इस्लामिक आर्किटेक्चर के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए। नाउ दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि ये जितने भी नई बिल्डिंग्स आई या पुराने आर्किटेक्चर थे, पुरानी बिल्डिंग्स थी, उसमें क्या नए डेकोरेशन के टूल्स यूज किए गए, कैसे उसमें डेकोरेट किया जाता था। आपको याद है हमने एक चीज पहले देखी कि जो मुस्लिम्स थे यहाँ पर लिविंग फॉर्म को फॉर प्रेजेंट नहीं करते थे, उनको रेप्लिकेट नहीं करते थे, तो इसलिए यहाँ पर ज्यादातर मोटिफ्स वगैरह यूज किए गए जिसमें
फ्लोवर्स हो गए, बड्स हो गए, फ्लोवर बड्स हो गई, ठीक है, ऐसे ही ट्रीज हो गए, ज्योमेट्रिकल फिगर्स हो गए, तो ये सब चीजें यहाँ पर डेकोरेशन के लिए यूज की गई, जालीज हो गई। डेकोरेशन वाज मोस्टली डन बाय डिजाइनिंग ऑन प्लास्टर थ्रू इनसीजन, जिसे हम स्टूको भी कहते हैं। तो जब प्लास्टर पर कोई चीज उकेर के की जाती है तो उसे हम स्टूको कहते हैं, तो वो यहाँ पर देखने को मिली। मोटिव्स यहाँ पर स्टोन्स पर कार्व आउट किए गए, जिसमें वेराइटी ऑफ फ्लोवर्स यूज किए गए, और फ्लोवर्स में ऐसी बात नहीं है सिर्फ ऐसे फ्लोवर जो हमारे कंट्री में, हमारे कंटिनेंट में मिलते हैं, सिर्फ वो ही फ्लोवर्स उकेरे गए। ईरान में मान लीजिए कोई फ्लोवर है जो इंडिया में नहीं है, तो वो भी यहाँ पर उकेरा गया। लोटस बट फ्रिंज, तो लोटस जो कमल का फूल है उससे एक बहुत ही अच्छा ऑब्सेशन, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन था, तो लोटस बट को यहाँ पर हम बहुत सारे पैनल्स में देख सकते हैं। मेनी कॉम्प्लेक्स डिजाइन ऑफ फ्लोवर मोटिव्स डेकोरेटिंग The ceilings were also to be found on textiles and carpets. तो देखिए पहले ये स्टार्ट हुआ आर्किटेक्चर में, जो अलग अलग मोटिव्स हमने देखे फ्लोर मोटिव्स, पहले आर्किटेक्चर में स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे इनको टेक्सटाइल, कारपेट्स या फिर टाइल्स में भी यूज किया जाने लगा। अगर आपने कभी क्लोथ्स देखे हो तो काफी क्लोथ्स ऐसे हैं, स्पेशली राजस्थान के या दिल्ली के आसपास के क्लोथ्स, उसमें आपको फ्लोवर्स, बर्ड्स, इनकी डिजाइन देखने को मिलती है, तो वो सब यहाँ से ही आई है। धीरे धीरे कपड़ों में भी इनको डाला जाने लगा, कारपेट्स में यूज किया जाने लगा, इसके अलावा इनकी टाइल्स भी बनाई जाने लगी। पॉपुलर कलर्स कौन कौन से थे, ब्लू हो गया, टर्कोइज हो गया, ये कौन सा कलर होता है, इट इज लाइक ब्लू स्काई ग्रीन, मतलब जो ग्रीन स्काई ब्लू टाइप कलर होता है, सी ग्रीन कलर, उस तरह का कलर हो गया, ग्रीन हो गया, येल्लो हो गया, तो ये प्रीडोमिनेंट कलर्स हुआ करते थे। देन सब्सिक्वेंटली टेक्निक्स ऑफ टेजलेशन, मोजेक डिजाइन, पित्रेदुरा, ये सब यूज होने लगी। बेसिकली इन दोनों का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक फ्लोर है, ये एक बट बनाई गई, तो उसको एक कंटिन्यूस फॉर्म में प्रेजेंट किया गया, ऐसे ही कोई जियोमेट्रिकल फिगर है उसे कंटिन्यूस फॉर्म में प्रेजेंट करना, तो इस तरह से ये सब हुआ। डाडो पैनल ऑफ दी वॉल्स, डाडो पैनल्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए दिस इज दी वॉल, तो इसमें जो नीचे का हिस्सा है जिस पर स्पेशली टाइल्स लगी हुई होती है, तो वहां पर दैट इज डाडो पैनल, तो यहाँ पर ये सब लगाई गई। लेपिस लेजुली, इसको यूज किया जाने लगा, ये अलग तरह का स्टोन होता है, ब्लू कलर का, बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव सा स्टोन होता है, तो वो भी यहाँ पर यूज किया जाने लगा। अदर डेकोरेशंस, अरेबेस्क्यू, अरेबेस्के का एग्जांपल आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी मान लीजिए उर्दू में ही कुछ लिखना है तो उसको यहाँ पर उकेरा गया। हाई एंड लोअर रिलीफ कार्विंग्स एंड ए प्रोफ्यूज यूज ऑफ जालीज, अब हाई एंड लो रिलीफ ये हमने पहले भी देखा था जब हमने फर्स्ट सेकंड क्लास की थी, या मौर्याज के जब आर्किटेक्चर को हमने डिस्कस किया था तो उसमें भी हमने देखा था कि कैसे हाई रिलीफ का मतलब तो हो गया जब किसी चीज को ज्यादा उकेरा जाए, लो रिलीफ हो गया जब उसको अंदर की तरफ किया जाए, तो इस तरह से एक 3D डायमेंशन भी प्रेजेंट हुआ, 3D लुक यहाँ पर हाई रिलीफ की वजह से देखने को मिला। फ्रॉम 16th century ऑनवर्ड्स आर्केज वर डिजाइंड विथ ट्रेफॉइल एंड मल्टीपल फोलिएशन, ट्रेफॉइल का तो मतलब हो गया दिस इज ट्रेफॉइल, इसे हम ट्रेफॉइल कहते हैं इस डिजाइन को। अब इसमें मान लीजिए आपने 4 कर दी, 5 कर दी, दिस इज मल्टीपल फोलिएशन। स्पेंड्रल्स ऑफ आर्चेस वर डेकोरेटेड विथ मेडेलियन और बोसेस, तो यहाँ पर जो आर्केज के जो मेन पार्ट थे ऊपर नीचे कोने वाले पार्ट, उनको भी अलग अलग चीजों से डेकोरेट किया गया। रूफ वाज मिक्स ऑफ सेंट्रल डोम एंड अदर स्मॉलर डोम्स, छतरीज एंड टिनी माइनरेट्स, तो यहाँ पर जो रूफ है, छत है, नॉर्मल आज जो छत देते हैं वैसी नहीं है, एक तो डोम हो गया, एक तो सेंट्रल डोम जो सबसे बड़ा हो गया, और फिर उसके आसपास छोटे छोटे डोम, तो यहाँ पर एक गोल गुंबज है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे क्लास के एंड में, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि डोम कैसे यूज होती थी। द सेंट्रल डोम वाज टॉप्ड विथ एन इन्वर्टेड लोटस फ्लोवर मोटिफ एंड ए मेटल और स्टोन पिनेकल, तो जब हम उस गोल गुंबज को देखेंगे तो वहां पर हमें समझ में आएगा कि कैसे इन्वर्टेड लोटस या ये सब चीजें उस पर यूज होती थी। मेटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन, अब उस समय कौन सा मटेरियल यूज किया जाता था, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, छोटी छोटी चीजें जो यूज होने में, जैसे मान लीजिए कोई छोटा पत्थर है, वो सब चीजें तो वहां से आ सकती थी, इंपोर्ट हो सकती थी, लेकिन बड़े बड़े पत्थर या बड़ा मटेरियल, रेड सैंडस्टोन वगैरह, ये यहाँ से ही लिया जाने लगा, क्योंकि ये सब चीजें वहां से इम्पोर्ट होना बहुत मुश्किल था। तो सबसे इंपॉर्टेंट है रबल मेसनरी, तो व्हाट इज दिस रबल मेसनरी, आपने कई बार देखा होगा, जैसे आपने किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग को देखा हो, पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ होता है, तो ऐसे ही छोटे छोटे पत्थर हो गए, बड़े पत्थर हो गए, तो उसे रबल मेसनरी कहा गया। अब इसको यहाँ पर लाइमस्टोन, जिसे हम चूना भी कहते हैं,
तो लाइमस्टोन का यहाँ पर प्लास्टर कर दिया और उसके अलावा उसके ऊपर अलग अलग तरह के टाइल्स लगा दी, पॉलीक्रोम टाइप्स टाइल्स का मतलब है अलग अलग कलर की टाइल्स लगा दी। पत्थर कौन कौन से थे? क्वार्टाइज, सैंडस्टोन, बफ, मार्बल, अलग अलग तरह के पत्थर, अलग अलग तरह के स्टोन्स, अलग अलग तरह के रबल यहाँ पर यूज किए जाने लगे थे। ब्रिक्स को भी यूज किया जाने लगा, कौन सी सेंचुरी से? 17th सेंचुरी से। और जब 17th सेंचुरी से यहाँ पर ब्रिक्स का यूज हुआ तो जो बिल्डिंग्स थी उनको और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिली, क्योंकि ब्रिक्स से जब बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, आप चाहे जैसे बिल्डिंग की वॉल्स को बना सकते हैं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी समय के साथ फिर बढ़ी। नाउ फोर्ट्स, अब हम जो इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स हैं जिसमें फोर्ट हो गया, मिनरेट्स हो गई, टोम हो गई, एंड फॉर कॉमन पीपल, इनको अब एक बार हम थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं फोर्ट्स। कमांडिंग हाइट्स वर यूटिलाइज टू ग्रेट एडवांटेज टू कंस्ट्रक्ट द फोर्ट्स। आज भी आप अगर कहीं जाएं, राजस्थान में आपका जाना हो, दिल्ली के आसपास जाना हो, आगरा जाना हो, तो आपको काफी बड़े बड़े फोर्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो देखिए, फोर्ट्स का यहाँ पर बहुत बड़ा यूज था। ये सिर्फ यहाँ पर एक रॉयल पावर को रिप्रेजेंट नहीं करते थे, बल्कि सिक्योरिटी और डिफेंस के पर्पज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और फोर्ट को बड़ा बड़ा बनाया जाता था जिसमें काफी लोग रह सकें। अगर आपने कोई हिस्ट्री से रिलेटेड मूवी देखी है तो उसमें आपने फोर्ट को जरूर देखा होगा अंदर से, कि कैसे वहां पर एग्रीकल्चर की भी फैसिलिटीज रहती थी कि मान लीजिए कोई दूसरी फोर्स है, उसने अगर कैप्चर कर लिया है फोर्ट को चारों तरफ से, तो अंदर इतना यहाँ पर भंडार हो कि लोग अपने आप को सस्टेन कर सके। तो दे सिंबोलाइज द सीट ऑफ पावर ऑफ ए किंग एंड दे क्रिएटेड ए सेंस ऑफ ऑल इन द पीपल। तो जो फोर्ट था उसे देखकर लोगों में भी एक गर्व की अनुभूति होती थी। कमांडिंग हाइट से जो आसपास का रीजन था उस पर पूरी नजर रखी जा सकती थी। डिफेंस सिक्योरिटी के पर्पज से इंपॉर्टेंट थे। रेजिडेंशियल और ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेज, ये सब भी यहाँ पर फोर्ट्स के अंदर बने हुए थे। व्हेन सच ए फोर्ट वाज कैप्चर्ड, अब देखिए, जब भी फोर्ट को इनेमी आर्मी के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, मान लीजिए कोई दूसरा किंग है उसने कैप्चर कर लिया, तो ऐसा माना जाता जो एग्जिस्टिंग किंग है उनकी डिफीट हो चुकी है, वो हार चुके हैं और नया किंग वहां पर आ चुका है। सो दीज आर दी सिंबल्स ऑफ पावर, इसीलिए फोर्ट को यहाँ पर सिंबल ऑफ पावर कहा गया है। जो व्यक्ति यहाँ पर इस फोर्ट को अपने हाथ में रखेगा किसी रीजन में, वो वहां का राजा होगा। तो ये एक मेन यहाँ पर सिंबल था। चित्तौड़, ग्वालियर, दौलताबाद जिसे अलियर देवगिरी के नाम से जाना जाता था, गोलकोंडा, तो ऐसे काफी इंपोर्टेंट फोर्ट्स हैं और 6 फोर्ट कॉम्प्लेक्सेज हैं जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी इंक्लूड किया जा चुका है। तो एक बार आप उनको जरूर विकिपीडिया में सर्च कर लीजिएगा, कौन कौन से ऐसे 6 इंपोर्टेंट फोर्ट्स हैं हमारी कंट्री के जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी इंक्लूड किया जा चुका है। अब देखिए, नॉर्मली अगर हम देखें तो ये सब तो कॉमन ऑब्जेक्टिव हो गए फोर्ट्स के, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस, डिफेंस करने के लिए हर फोर्ट ने अपना एक अलग मेथड अपना रखा था। जैसे हम बात करें गोलकोंडा की, तो गोलकोंडा में कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ आउटर वॉल, तो आउटर वॉल ऐसे प्लेन नहीं थी, सीधी नहीं थी, आउटर वॉल्स ऐसे शेप में थी, कंसेंट्रिक सर्कल्स में थी, तो जिसको यहाँ पर डोमिनेट करना कोई आसान काम नहीं था, बड़ी बड़ी वॉल्स थी। तो इनेमी को यहाँ पर कोई भी शत्रु है उसे यहाँ पर इन जो भी कंसेंट्रिक सर्किल ऑफ वॉल्स है इनको काफी लेवल पर डिस्ट्रॉय करना पड़ता था, जो मुश्किल काम था। काफी फोर्ट्स ऐसे थे जिसमें फोर्ट के चारों तरफ एक पानी की नदी या नहर टाइप बना रखा था, पोन टाइप बना रखा था, ताकि कोई हाथी कोई जानवर उस किले को भेद ना पाए, कोई भी आर्मी आए पहले उसे उस पानी से गुजरना पड़े। दौलताबाद की हम बात करें तो यहाँ पर स्टेगर्ड एंट्रेंसेस थे, तो जिस पर एलिफेंट चढ़ाई नहीं कर सकते, तो अगर मान लीजिए गेट को तोड़ने के लिए एलिफेंट यूज किए भी जाते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सके। ग्वालियर फोर्ट, इसे बहुत ही हाइट पे बनाया गया, स्टीप हाइट पे बनाया गया, जहां पर हर कोई नहीं पहुंच सके। नॉर्मली जो फोर्ट्स थे, जैसे मान लीजिए ये फोर्ट है हाइट पे है, दिस इज द कॉमन लैंड, तो ये यहाँ पर चढ़ने का रास्ता एकदम से स्टीप रखा जाता था, तो जिस पे हर कोई नहीं चढ़ सके, कोई हाथी नहीं चढ़ सके, कोई भारी सामान आप नहीं चढ़ा सके, ताकि कोई भी फोर्स आए वो आसानी से डिफीट ना कर सके। चित्तौड़गढ़ काफी इंपोर्टेंट फोर्ट माना गया, तो चित्तौड़गढ़ बियर्स। अच्छा, इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है, ग्वालियर फोर्ट की हम बात करें तो इसे बाबर बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड थे, इनको लगता था कि ग्वालियर फोर्ट को सीज करना बहुत ही मुश्किल काम है। देन चित्तौड़गढ़ फोर्ट, यहाँ पर एक विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ अगर आपने कभी देखा हो, जिसके लिए माना जाता है, इट इज लाइक ए मीनार। तो बियर्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग लार्जेस्ट फोर्ट इन द एशिया,
एंड इसे लंबे सबसे लंबे समय के लिए सीट ऑफ पावर के रूप में ऑक्यूपाई भी किया गया है। तो इस फोर्ट को भेद करना बहुत ही मुश्किल काम था। इट वॉज रिप्लीट विथ न्यूमरस वाटर बॉडीज, तो बहुत सारी वाटर बॉडीज भी चित्तौड़गढ़ फोर्ट में देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको कभी लाइफ में टाइम मिले तो फोर्ट्स की विजिट आप जरूर कीजिएगा एक। नाउ मीनार्स, अब हम मीनार्स की बात करते हैं। तो सबसे दो इंपॉर्टेंट मीनार्स, और स्पेशली एक मीनार, जब भी हम मीनार्स का नाम ले तो हमारे दिमाग में आती है, दैट इज कुतुब मीनार इन दिल्ली, और उसके अलावा दूसरी है चांद मीनार एट दौलताबाद फोर्ट। तो दिस इज कुतुब मीनार, ये कुतुब मीनार है जिसे आप देख सकते हैं, और दिस इज चार मीनार। चार मीनार में आप देख सकते हैं यहाँ पर फोर फ्लोर टाइप हो गए, और कुतुब मीनार थोड़ी सी झुकी हुई है, इट इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़ी सी झुकी हुई है, ये इस शेप में है। तो दी एवरी डे यूज ऑफ मीनार्स वॉज फॉर दी अजान और कॉल टू दी प्रेयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अजान का मीनार्स का क्या यूज था। सो दैट्स वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स फिनोमिनल हाइट हाउएवर सिंबलाइज द माइट एंड पावर ऑफ द रूलर। तो बेसिकली जैसा कि जितना भी आर्किटेक्चर मिडाइवल पीरियड में बनाया गया था वो माइट को, पावर को सिंबलाइज करता था, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी मीनार, कि जिसकी बनाई हुई मीनार है, जिसकी मीनार है, दैट पर्सन हैज दी अथॉरिटी। कुतुब मीनार को किसके लिए बनाया गया था, कौन से ऐसे संत थे जिनके लिए बनाया गया, दिल्ली के ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कई बार कि किसके लिए कुतुब मीनार को बनाया गया। इसको स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दैट्स व्हाई कुतुब मीनार, लेकिन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, इनकी याद में इसे बनाया गया था, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार 13 सेंचुरी में बनाई गई थी, अराउंड 234 फीट हाई हाइट इसकी हम देख सकते हैं, पांच स्टोरेज इसमें है, और जबकि चांद मीनार में चार स्टोरेज है, 210 फीट हाई चार मीनार है। इट इज लार्जली बिल्ट ऑफ रेड एंड बफ सैंडस्टोन विद सम यूज ऑफ मार्बल। तो ये याद रखिएगा, ये जो कुतुब मीनार है इसमें मार्बल का भी यूज हुआ है, ऐसी बात नहीं है मार्बल बिल्कुल यूज नहीं हुआ, मार्बल का भी इसमें यूज हुआ है, और बालकनीज इसकी बहुत ज्यादा डेकोरेटेड है। चांद मीनार की हम बात करें तो इसमें कुरानिक वर्सेस को भी यहाँ पर लिखा गया है जो इसका फसाद है उस पर। तो ऑल्दो इट लुक लाइक एन ईरानियन मोन्यूमेंट, लेकिन इसमें लोकल आर्किटेक्चर एलिमेंट को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये हमें लगेगी लाइक इट इज एन ईरानियन, लेकिन लोकल आर्किटेक्चरल फीचर्स को भी यहाँ पर यूज किया गया है। नाउ टोम्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, टोम्स को बनाया क्यों गया, वाई। तो यह माना जाता था कि जो भी यहाँ पर जिसकी डेथ हुई है, इंपॉर्टेंट जो पर्सन है, अगर उसके ऊपर टोम बनाई जाएगी, उसे अगर एक अच्छा स्पेस दिया जाएगा तो उसे पैराडाइज मिलेगा, तो इस मान्यता के साथ इन टोम्स को बनाया गया। और दूसरा ये बताने के लिए कि जो पर्सनैलिटी जिसके लिए टोम बनाई जा रही है, दैट इज वेरी स्पेशल पर्सन। तो मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स ओवर द ग्रेव्स ऑफ रूलर्स एंड रॉयल्टी वाज ए पॉपुलर फीचर ऑफ मिडाइवल इंडिया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था, जो भी आम आदमी थे उनसे अलग इन रॉयल्टी के पर्सन को दफनाया जाता था। एग्जाम्पल टोम्स ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, हुमायूं की टोम यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस है, अब्दुल रहीम खान खन्नम, अकबर एंड इतमादुद्दौला इन आगरा। देखिए किसने टोम को बनवाया, जब भी आपके सामने सवाल आए तो आप सिंपल लॉजिक के साथ इसका आंसर कर सकते हैं कि टोम बनाने के पीछे किसका हाथ था, जो भी नेक्स्ट रूलर था उसने टोम को बनवाया। द आइडिया बिहाइंड टोम वॉज एटर्नल पैराडाइज एज ए रिवार्ड फॉर ट्रू बिलीवर ऑन द डे ऑफ जजमेंट, कि जब भी डे ऑफ जजमेंट होगा तो जो व्यक्ति है जिसकी टोम बनाई हुई है उसको पैराडाइज तुरंत मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर टोम में पैराडाइजिकल इमेजरी ये सब भी हमें देखने को मिलेगी। तो ये हम देख सकते हैं हुमायूं टोम, एक इंपॉर्टेंट फीचर इन टोम के पीछे क्या देखने को मिला, कि इन टोम के चारों तरफ आप देख सकते हो गार्डन्स बने हुए हैं लाइक पैराडाइज। ठीक है, टोम बीच में हो गई और उसके चारों तरफ आसपास में आप यहाँ पर गार्डन्स देख सकते हैं, और एक पूरे पर्टिकुलर पेटल में इस टोम को बनाया जाता है, बीच में एकदम से टोम हो गई, यहाँ पर चारों तरफ गार्डन्स वगैरह, एकदम से पीसफुल एनवायरमेंट हो गया। तो फीचर्स ऑफ टोम क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ कुरानिक वर्सेस ऑन दी वॉल्स, अगर हम वॉल्स पे देखें तो कुरानिक वर्सेस लिखे हुए हैं, और दूसरा प्लेस्ड विद इन पैराडाइजिकल एलिमेंट, जैसे कि गार्डन हो गया, एक आसपास में वाटर बॉडी हो गई, या दोनों हो गए, हुमायूं टोम, ताजमहल, ये इसके क्लासिकल एग्जाम्पल है। देर हैव नॉट ओनली बीन इंटेंडेड टू सिग्निफाई पीस एंड हैप्पीनेस इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, बट टू ऑल्सो
शोकेस मजेस्टी ग्रैंडियर और माइट ऑफ पर्सन बरीड देयर। तो दो चीजें थी, पहला तो जो व्यक्ति यहाँ पर सो रहा है उसे पैराडाइज मिल जाए, वो शांति से रहे, तो इसलिए पीसफुल एनवायरनमेंट हो गया आसपास में। दूसरा जो व्यक्ति यहाँ पर जिसकी डेथ हुई है, जिस पर टोम बनाई गई है, दैट इज वेरी स्पेशल पर्सन। तो ये दो चीजों को ध्यान में रखते हुए टोम्स बनाई गई। ताजमहल की हम बात करें तो ताजमहल को आप देख सकते हो, जिसे यहाँ पर सेवन वंडर्स में माना जाता है, अगर आपने कभी विजिट किया हो तो इसके आसपास भी आपको एक ऐसा ही पीसफुल एनवायरनमेंट, एक आसपास में गार्डन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो किसने बनाया था इसे आगरा में? शाहजहां, और अपनी जो वाइफ थी मुमताज महल, उनकी याद में ताजमहल को बनवाया गया था। तो इसलिए ताजमहल को एक लव की निशानी भी माना जाता है। द टोम्ब इज लेड आउट इन द चार बाग, चार बाग कहते हैं इसको, चार बाग कह सकते हो। तो चार बाग मतलब आसपास में फोर गार्डन्स हो गए जो एक दूसरे से क्रिस क्रोस्ड रहते हैं। फोर टोल माइनरेट्स भी हमें देखने को मिल सकती है। ये मीनार हो गई, बड़ी बड़ी चार मीनार्स जो रेड सैंडस्टोन में बनाई गई, हालांकि इनमें आपको व्हाइट कलर दिख रहा होगा लेकिन ये रेड सैंडस्टोन में बनाई गई है जिन पे व्हाइट कलर किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक रेड सैंडस्टोन मॉस्क्यू भी हमें देखने को मिलती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मकराना जो माइंस है राजस्थान में, वहां से मार्बल यहाँ पर लाया गया और वो मार्बल यहाँ पर यूज किया गया। नाउ सरायस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी ट्रेवलर थे यहाँ से वहां पर, जो ट्रेडर वगैरह होते थे, फॉरेन ट्रेवलर्स हो गए, उनके रहने के लिए भी सरायस बनाई गई, जैसे आज के मॉडर्न डे में होटल का कॉन्सेप्ट है। पहले होटल का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, तो कुछ लोग हो गए यहाँ से वहां ट्रेवल कर रहे हैं, लंबी ट्रेवल है तो बीच में उनको रुकने की जगह मिल जाए। सबसे इंपॉर्टेंट थी सेफ्टी, क्योंकि अगर आप देखें तो एंशियंट मिडाइवल पीरियड में कोई भी ट्रेडर कहीं से गुजर रहा होता तो उस पर अटैक होने के पूरे चांसेस रहते थे। तो जो भी डाकू वगैरह है उनसे बचाने के लिए सराइज बनाई गई, क्योंकि ये यहाँ पर स्टेट की अथॉरिटी हो गई, जहां पर अगर कोई भी अटैक करता, कोई भी डाकू वगैरह का हमला होता तो उससे फिर स्टेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता। तो कोई भी ट्रेडर है, कोई भी फॉरेन ट्रेवलर्स है, वो रात को एक जगह पर रुक सके और अपनी सेफ्टी को इंश्योर कर सके, उसके अलावा कंफर्टेबल उसको एक प्लेस मिल सके। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सराइज बनाई गई। तो सराइज वर लार्जली बिल्ट ऑन सिंपल स्क्वायर और रेक्टेंगुलर प्लान। अब एक किंग के लिए सराय बनाना क्यों जरूरी था? क्योंकि देखिए, चाहे एंशियंट पीरियड हो, मिडाइवल पीरियड हो, चाहे मॉडर्न पीरियड हो, ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस भी किंगडम में ट्रेड फ्लोरिश होता है वहां पर टैक्सेज अच्छे मिलते हैं, वहां पर डेवलपमेंट अच्छा होता है, तो इसलिए ट्रेड को प्रमोट करने के लिए भी इन सरायज का होना बहुत ज्यादा जरूरी था। सो दे वर मीन टू प्रोवाइड टेम्पररी अकोमोडेशन टू इंडियन एंड फॉरेन ट्रेवलर्स, पिलग्रिम्स, मर्चेंट, ट्रेडर्स, ताकि जो ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, लोगों का यहाँ से आना जाना, मोबिलिटी है, वो बढ़ सके। इन इफेक्ट सराइज वर पब्लिक डोमेन्स विच थ्रोंग्ड विद पीपल ऑफ वेरिड कल्चरल बैकग्राउंड। अब इन सराय का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि एक सराय में अलग अलग एरिया के लोग आएंगे, अलग अलग एरिया के लोग आएंगे, एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, तो वहां पर ये जो डिस्कशन, जो भी चर्चाएं होंगी, उनसे नई नई चीजें इवॉल्व होंगी, इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर वहां पर होगा। तो इस क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन, इन्फ्लुएंस, ये सब चीजें हमें सराइज में देखने को मिल सकती हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मिडाइवल आर्किटेक्चरल फीचर। और दूसरे फीचर्स और दूसरे स्ट्रक्चर्स जो कॉमन पीपल के लिए बनाए जाते थे, उसमें हो गए डोमेस्टिक यूसेज के लिए बिल्डिंग हो गई, मॉस्क्स हो गए, टेम्पल्स हो गए, कानखास हो गए, दैट इज हर्मिटेज ऑफ सूफी संत। तो सूफी संत के लिए जगह हो गई, दरगाह हो गई, कमेमोरेटिव गेटवेज हो गए, बड़े बड़े द्वार हो गए, जैसे आप फतेहपुर सीकरी में देख सकते हैं, पेविलियंस इन बिल्डिंग्स, गार्डन्स, बाजार्स। तो जो एक कॉमन पीपल के लिए है, उनके लिए भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए गए, जो आज भी हमारी कंट्री के लिए बहुत बड़ी धरोहर है, आज भी जो हमारी कंट्री में टूरिज्म को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं। गोल गुंबद की हम बात कर लेते हैं एक बार। गुंबद इज सिचुएटेड इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कहां पर है गोल गुंबद? कर्नाटका में। आप एक बार इसका देख सकते हैं, इसका ये जो यहाँ पर टोम्ब है, इसे बिगेस्ट माना गया है, और इसके आसपास में आप चार किनारों पर चार माइनरेट्स देख सकते हैं। तो दिस इज गोल गुंबद। इट इज मेजोलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह है द सेवन सुल्तान ऑफ आदिल शाही डायनेस्टी। तो इनके लिए यहाँ पर ये बनाया गया है। बिल्ट बाई द रूलर हिमसेल्फ, इट इज ए स्ट्राइकिंग एडिफिस इन द स्पाइट ऑफ बीइंग अनफिनिश्ड। तो ऐसा मान लीजिए, ये जो रूलर थे, इन्होंने अपनी मौत से पहले ही इसे करीब करीब बनवा लिया था, लेकिन ये पूरा तैयार नहीं हो सका, क्योंकि इनकी डेथ के बाद में इस पर पूरा काम नहीं किया जा सका।
तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखें, इस टोम में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, गेटवेज हो गए, बड़े बड़े गेटवेज आप देख सकते हैं चारों तरफ, ठीक है, दो तरफ के हमें दिखेंगे यहाँ पर। नक्कार खाना, नो व्हाट इज नक्कार खाना? नक्कार खाना इट इज लाइक ड्रम हाउस, जहां पर अगर मान लीजिए ड्रम बजाए जाते हैं, कोई भी घोषणा की जाती है तो वो दूर दूर तक सुनी जा सके, दैट इज नक्कार खाना। तो इसमें नक्कार खाना हो गए, मोस्क, सराय, तो ये चार चीजें। उसके अलावा लार्ज वोल्ड गार्डन, आसपास में हम गार्डन देख सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हमें इस गोल गुंबद में देखने को मिलेंगी। तो इसी के साथ ये लेक्चर एंड होता है। इस एनसीईआरटी में भी करीब करीब सारी चीजें हमारी डिस्कस हो चुकी है, तो अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसे शेयर करना ना भूलें, और जो कमेंट्स है उसमें आप कमेंट डालना ना भूलें। एंड दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मेरे साथ जुड़े ताकि मेरी और दूसरी आने वाली क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। एंड जब भी आप अनअकैडमी को ज्वाइन करें, चाहे आप कोई पेड कोर्स लें, चाहे आप यहाँ पर ये फ्री इनिशिएटिव जैसे जिसका लिंक आप देख सकते हैं, तो इस लिंक में आप चाहे ऐड हो, जो यहाँ पर आपको एक क्वेस्ट दिख रही है 11 तारीख को, जो 7 फेब को जो क्विज है, तो उसे ज्वाइन करने के लिए भी आपको कोड की जरूरत होगी, वहां पर भी आप इस कोड को यूज करना ना भूलें। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, एंड यहाँ पर याद रखिए आज रात को 9 बजे से मेरी इकोनॉमिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। तो यहाँ पर आप एनरोल होते समय विष्णु कोड यूज करना ना भूलें। अनअकैडमी पर आपको प्लस और आइकोनिक दो तरह के सब्सक्रिप्शंस मिलेंगे। प्लस पर आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी जो बाद में रिकॉर्ड हो जाती है, जिनको आप देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। आइकोनिक पर आपको एडिशनली एक पर्सनल कोच मिल जाएंगे जो आपको डेली बेसिस पे गाइड करेंगे। डेली बेसिस पे आपकी मेंस की क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होगी, जिसका रेगुलर फीडबैक आपको मिलता रहेगा। तो ये सब फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिलेंगी। जीएस प्लस की हम बात करें, काफी प्लान्स आपको दिए गए हैं, 1 ईयर और 2 ईयर्स के प्लान्स बेस्ट माने जाते हैं, बट दिस कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप आइकोनिक के साथ जा सकते हैं, ऑप्शनल का प्लान ले सकते हैं, आप कॉम्बो प्लान्स ले सकते हैं, जिसमें 2 ईयर का प्लान सबसे बेस्ट माना गया है, जिसके बाद आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। क्वेस्ट एक अनअकैडमी कॉम्बैट इंपॉर्टेंट क्विज है, जिसे आप ज्वाइन करना ना भूलें 7 फेब को। लिंक आपको दिख रहा है नीचे कमेंट्स में, डिस्क्रिप्शन में, और इसको ज्वाइन करते समय विष्णु कोड आप यूज करना ना भूलें, और ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है। अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो आपको 3 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसी क्विज को ज्वाइन करते हैं। फेब्रवरी ऑफ 8 से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो अनअकैडमी को ज्वाइन करना ना भूलें। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल एंड दिस इज माई कोड, तो इनको आप इस कोड को आप यूज करना ना भूलें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई विल वेट फॉर 1 मिनट, मैं 1 मिनट के लिए वेट करूंगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यस संदीप, संदीप का यहाँ पर मुझे कोई डाउट लगता है आप पूछ सकते हैं यहाँ पर। हेलो संदीप, कोई डाउट हो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, वरना फिर मैं इस क्लास को एंड करता हूँ। चलिए, मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है, तो मैं क्लास को एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।